हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो है एडिको के पीएफ के बारे में, एडिको के सैलरी स्लिप के बारे में आज जानकारी दूंगा। एडिको का कोई भी जानकारी चाहे तो मेरे वीडियोस को देखिए, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं एडिको के पीएफ या सैलरी स्लिप के बारे में, और हमारे हेल्पलाइन के बारे में नंबर भी मैंने पिछले वीडियो में अपलोड किया था, बताया था आपको, वो सब चेक कर सकते हो। एडिको का जो भी जानकारी चाहिए था मेरे वीडियोज में आपको सब जानकारी मिल जाएगा। और आज का वीडियो है एडिको का पीएफ। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि आपका पीएफ जो है एडिको का यूएन पोर्टल में दिखता नहीं है। तो सिंपल है कि जो भी आपका पीएफ डिपॉजिट होता है वो आपका एडिको के ट्रस्ट में जमा होता है, इसलिए आपको यूएन पोर्टल में दिखता नहीं है। एडिको का एक खुद का पोर्टल है, एचआर वेरी पोर्टल, उसमें जाके आप चेक कर सकते हो। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कैसे पीएफ चेक करते हैं करके। एचआर वेरी का पोर्टल में आपको लॉग इन करना है, आपका एम्प्लॉय कोड आपका यूजर नेम रहेगा और पासवर्ड आपका लास्ट 7 डिजिट ऑफ द पीएफ नंबर रहता है। और अगर लॉग इन करने में कुछ दिक्कत रहेगा तो आपको asc@edico.co.in इस ईमेल आईडी पे आप ईमेल करके आपका पासवर्ड रीसेट करते हैं। मैंने लिंक ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में स्क्रीन में शेयर किया हूँ, चेक कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया था एचआर बेरी के पोर्टल पे जाके चेक करना है, तो आपको आपका स्टेटमेंट मिल जाएगा। और लॉग इन करने में दिक्कत हुई तो स्क्रीन में दिखा हुआ ईमेल आईडी पे आप ईमेल करके आपका अपना पासवर्ड रीसेट करा सकते हो। और एडिको का वेरी सिंपल है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका पीएफ नहीं दिख रहा है तो मेरा पीएफ कहाँ गया, आपका पीएफ सेफ है, सुरक्षित है। सिर्फ आपका पीएफ जो है ना ट्रस्ट में जाता है, क्योंकि जो बड़े बड़े कंपनी जैसे इंफोसिस, कैपजेमिनी या सिस्को, उनका जो है खुद का ट्रस्ट होता है, क्योंकि उनके कंपनी में ज्यादा एम्प्लॉयज है। तो गवर्नमेंट ने उनको अथॉरिटी दिया है कि आपका पीएफ जो है ना एडिको ट्रस्ट में जमा करने के लिए, इसीलिए आपका जो पीएफ है ना वो यूएन पोर्टल में दिखता नहीं है। तो आपको क्या करना है कि एचआर बेरी पोर्टल में लॉगिन करके आप अपना पीएफ स्टेटमेंट चेक करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पीएफ स्टेटमेंट कैसे चेक कर सकते हैं। एडिको का पीएफ स्टेटमेंट एचआर बेरी का लिंक भी मैंने पिछले वीडियो में दिया था, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो गूगल में जाकर एचआर बेरी लॉगिन करोगे तो आपको पहला ऑप्शन जो मिलेगा वो एडिको का सैलरी स्लिप का, सॉरी पीएफ स्टेटमेंट का मिल जाएगा। और सेकेंड बात जो बताने वाला हूँ आपका जो है ना एडिको का सैलरी स्लिप, आपको खाली सिर्फ प्ले स्टोर में जाना है और एडिको इंडिया ऐप डाउनलोड करना है। जो पहला वाला ऑप्शन जो मिलेगा एडिको इंडिया ऐप, उसको लॉग इन करना है, और उसमें आपको एम्प्लॉय कोड आपका यूजर नेम देना है, सॉरी यूजर नेम आपका एम्प्लॉय कोड देना है, और पासवर्ड पहली बार जो है ना वेलकम एट 123 पे डाल के लॉग इन करना है। और लॉग इन करने में दिक्कत हो गई है तो आपको asc@edico.co.in इस ईमेल आईडी पे ईमेल करके अपना पासवर्ड रीसेट करा सकते हो। नया पासवर्ड आपको शेयर किया जाएगा ईमेल से। तो ये दो इम्पोर्टेंट चीज है एडिको के रिगार्डिंग, पीएफ स्टेटमेंट कैसे चेक करना है और सैलरी स्लिप कैसे चेक करना है। और सैलरी स्लिप का पोर्टल गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। ये आज का वीडियो है, थैंक यू।